सो हे गाइस, तो गाइस क्या आप लोगों को पता है कि हमारा फ्री फायर इंडिया इंडिया में कब आने वाला है? एंड गाइस क्या आप लोगों को पता है कि इसका नेम चेंज होने वाला है? साथ ही साथ गाइस इसका जो लोगो है वो भी चेंज होगा। गाइस नहीं पता तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि गाइस इस वीडियो में आप लोगों को इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी गेम से रिलेटेड, फ्री फायर इंडिया से रिलेटेड, फ्री फायर ई स्पोर्ट्स से रिलेटेड, जो आपकी काफ़ी काम आने वाले हैं। एंड गाइस इस वीडियो को जो लास्ट तक देखेगा ना, उसको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलेगी वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि गैस आप लोगों को पता है कि फ्री फायर इंडिया हमारे इंडिया के प्ले स्टोर में 5 सितंबर को लॉन्च होने वाला था, बट उस दिन लॉन्च नहीं हुआ, क्योंकि गैस आप लोगों को पता है कि गरेना वालों ने हमारे इंडिया को कब समझा था, एंड उन्होंने सोचा भी नहीं था कि इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो इसी के चलते हुआ क्या गैस, उन्होंने ज़्यादा प्रिपरेशन अच्छे से ठीक ठाक से नहीं किया था, जिसकी वजह से उन्होंने सर्वर को मतलब छोटा सा ऐसे ही कुछ भी मतलब बना के प्ले स्टोर में डाल दिया था, एंड लॉन्च करने के लिए रेडी हो गए थे। लेकिन गैस हुआ कि यहाँ पे इतना ज़्यादा भर भर के आप लोगों ने रिस्पांस दिया, एंड गरेना वालों ने ये सोचा अगर उस दिन अगर फ्री फायर को लॉन्च कर देते तो शायद तक उनका सर्वर क्रैश हो जाता। आई मीन कहने का मतलब ये है कि गेम जो उनका सर्वर है वो कुछ समय के लिए बंद हो जाता है, एंड बाद में थोड़ा रिपेयर करने के बाद ठीक हो जाता, बट उसके बाद कुछ लैग इशू, पिंग इशू भी देखने को मिल सकते थे। लेकिन गरेना वालों ने सोचा अगर आप उस दिन लॉन्च कर देते तो ऐसा डाउनलोड हो भी जाता गेम, तो खेलने पर बहुत बैड इफेक्ट पड़ता, जैसे कि लैग इशू, पिंग इशू, एंड जो फ्री फायर इंडिया के न्यू यूजर्स होते जो कभी फ्री फायर या मैक्स नहीं खेले हैं तो उन पे बैड इंप्रेशंस पड़ता, जिससे क्या होता कि गरेना वालों का ही घाटा होता है। एंड गाइस गरेना वाला ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। एंड गाइस अब फ्री फायर को लॉन्च कब करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। फ्री फायर लॉन्च होगा लेकिन कुछ 1 या 2 वीक्स के बाद। लेकिन गाइस जहाँ तक मैं आपको बता दूँ तो यहाँ पर एक कुछ रिजल्ट्स आपको बताने वाला हूँ, कुछ रिसर्च मैंने किया है वो मैं आपको आगे बताऊँगा। लेकिन गाइस गरेना वाले लॉन्च फ्री फायर इंडिया को तभी करेंगे, एंड गाइस फ्री फायर इंडिया मैं बोल रहा हूँ अभी, लेकिन बाद में गाइस इसका नेम भी चेंज होने वाला है। लेकिन गाइस फ्री फायर इंडिया को यानी कि लॉन्च तभी करेंगे जब उन लोग अपने सर्वर को एक अच्छे से प्रिपरेशन करके हार्डली मतलब अच्छे से बना सके। एंड गाइस उन लोग प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, सर्वर को अच्छे खासा बना रहे हैं, जिससे गाइस अगर आप लोग उसमें 1 मिलियन या 1 बिलियन मतलब डाउनलोड्स भी हो गए एंड एक साथ प्ले करें तो सभी का गेम अच्छे से चले, ना किसी का लैग इशू हो ना किसी का पिंग इशू हो। इस टाइप से उन लोग अपना गेम को अच्छे से भी रिपेयर कर रहे हैं, रिकवर कर मतलब बना रहे उसको, एंड देन तब जाकर उसको लॉन्च किया जाएगा। लेकिन गैस एक डेट निकल कर मैं आपको बता दूंगा क्या डेट निकल कर आ रही है, जिस दिन वो लोग मतलब अच्छी तरह से प्रिपरेशन करने के बाद लॉन्च करने वाले हैं। तो गैस अब बात करते हैं फ्री फायर इंडिया के लोगों के बारे में। गैस जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये पहले हमारा जो फ्री फायर इंडिया आने वाला था 5 सितंबर को, तो ये वाला लोगो आप लोगों को देखने को मिल रहा था। लेकिन गैस ये लोगो अब चेंज होगा, लगभग कुछ इस टाइप से दिखने वाला है। एंड गाइस अब बात करते हैं फ्री फायर इंडिया का नेम चेंज कैसे होगा, आई मीन फ्री फायर इंडिया जो गेमिंग ऐप है हमारा फ्री फायर, उसका नेम चेंज होने वाला है, तो कैसे होगा मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले होता क्या है कि हमारा फ्री फायर इंडिया, इंडिया की जगह भारत होगा, आई मीन फ्री फायर भारत या भारत फ्री फायर, इस टाइप से नेम चेंज होगा, यानी कि इंडिया की जगह सिर्फ भारत लगने वाला है, चेंज हो गई है, ऐसे लीक से निकल कर आ रही है। बाकी अब देखेंगे आगे फ्यूचर में कि होगा क्या। लेकिन गैस ऐसा क्यों किया जा रहा है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखो गैस, अभी ये मतलब गेम में ही नहीं, ऐसा रियल में मतलब कई जगह होता है ना, जैसे फुटबॉलर टीम होते, क्रिकेटर्स टीम होते, कई ऐसे चीज़ें होती है जो इंडियन यानी कि इंग्लिश में जो होता है ना इंडियन बोलते हैं, यानी इंडियन क्रिकेट टीम, इंडियन फुटबॉल टीम, ऐसा बोला जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब यहाँ पर मतलब ये वर्ल्ड में मतलब इंडिया हमारा जो बोला जाता है, अब डायरेक्टली इसको भारत भी बोला जा सकता है। आई मीन पहले भारत पहले से भी बोला जाता था, बट मेनली क्या बोला जाता था, इंडिया बोला जाता है, इंडियन क्रिकेट टीम इंडिया। तो ऐसा नहीं होगा, अब होने वाला है भारतीय क्रिकेट टीम, भारतीय फुटबॉलर टीम, ऐसा होने वाला है। आई मीन मतलब जो इंडिया था इंग्लिश वर्ड, उसको चेंज करके लगभग जो कंट्री नेम होता है वो अब इंडिया से भारत होने वाला है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे इस बात को। इसी तरह से गेम में भी होने वाला है, अगर हो सकता है ये लीक से निकल कर आ रही है कि फ्री फायर इंडिया को फ्री फायर भारत कर सकते हैं। एंड गाइस कहीं पर भी मतलब क्रिकेट एंड क्रिकेट टीम, इंडियन फुटबॉलर टीम, ऐसा नहीं होगा, भारतीय क्रिकेट टीम, भारतीय फुटबॉलर टीम, इस टाइप से होने वाला है। देखो गाइस अब मैं आपको बता देता हूँ कि फ्री फायर स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्या जानकारी है यहाँ पे। देखो फ्री फायर अगर इंडिया रिटर्न में आ रहे हैं, आई मीन कहने का मतलब ये कि हमारे पहले फ्री फायर चलता था एंड उसके बाद फ्री फायर मैक्स चला, लेकिन सबसे पहले फ्री फायर चलता था जिसमें होता क्या था कि
फ्री फायर के टूर्नामेंट्स होते थे, स्पोर्ट्स होते थे, वर्ल्ड सीरीज भी होता था, इंडिया वाला भी होता था, यानी कि FFIC, तो इस तरफ से मतलब टूर्नामेंट मैचेस होते थे, जो कि गाइस 2 साल से अभी लगभग बंद हो चुके हैं, क्योंकि जब से फ्री फायर बैन हुआ था तब से ये सभी चीज़ें बैन हो गई थी, मतलब बंद हो गई थी। लेकिन गाइस अब फ्री फायर इंडिया फ्री फायर का इंडियन वर्जन आ रहा है, तो अब फ्री फायर गेम वापस आ रहे तो ई स्पोर्ट्स तो रिटर्न आएगा ही। आप लोग दिमाग से सोचो, अगर ये आ रहा है तो ई स्पोर्ट्स भी रिटर्न आएगा। एंड आप लोगों को पता है कि अभी FFIC होने वाला है एंड उसके बाद वर्ल्ड सीरीज भी होने वाला है, जिसमें इंडिया में भी FFIC होगा, जिसमें से होगा क्या कि जो मतलब मैचेस खेलेंगे इंडिया में, बहुत सारे ऐसे टीम्स अभी ज्वाइन करेंगे उसमें, एंड उसमें से जो टीम्स सेलेक्ट होंगी, यानी 4 टीम्स ऐसे लगभग होने वाला है शायद, हाँ 4 टीम्स सेलेक्ट होंगी, जो कि गाइस वर्ल्ड में यानी कि वर्ल्ड सीरीज का जो मैच होने वाला है उसमें खेलने जाएंगे, ठीक है, इस टाइप से होने वाला है। एंड गाइस अब मैं आपको बता दूँ कि जो ये वर्ल्ड सीरीज कब होगा, ये वर्ल्ड सीरीज तो कब होगा तब होगा, लेकिन सबसे पहले FFIC होगा, यानी कि फ्री फायर इंडियन चैम्पियनशिप, ये होगा गाइस हमारे नवंबर मंथ में, इसी साल 2023 में, इसी साल होने वाला है नवंबर मंथ में। तो नवंबर मंथ में ये इंडियन चैम्पियनशिप का टूर्नामेंट होगा, जिसमें से सेलेक्ट होंगे वो वर्ल्ड सीरीज में खेलने जाएंगे, लेकिन उससे पहले सिलेक्शन किया जाएगा कौन कौन सी टीम FFIC में खेल पाएंगी, इस तरफ से मतलब उससे पहले नवंबर से पहले और कुछ प्रिपरेशन करना पड़ेगा, ये होने वाला है। एंड गाइस स्पोर्ट्स से रिलेटेड मैं आपको बेसिक जानकारी यानी कि और बहुत सारे रिलेटेड इससे रिलेटेड कि इसमें आप लोग कैसे ज्वाइन कर सकते हो, कहाँ से टूर्नामेंट होगा, कौन कौन टीम्स इसमें भाग ले सकते हैं यानी कि पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसके बारे में डेडिकेटेड वीडियो मैं आपको बनाकर ला दूंगा। सो फायर इंडिया वर्जन कब आएगा प्ले स्टोर पर फिर से, अब आ चुका है लेकिन लॉन्च कब होगा इसका सही डेट तो बताएं तो आपको मैं बता दूं, मैं अपने हिसाब से, एंड उसके बाद मैं आपको कुछ गूगल के अकॉर्डिंग बता दूंगा। सबसे पहले मेरे अकॉर्डिंग है कि देखो गाइस अभी उन्होंने कर रहे हैं प्रिपरेशन, यानी सर्वर को मतलब मजबूत स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें मतलब बहुत सारे प्लेयर्स एक साथ डाउनलोड कर ले, एक साथ खेले तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, ना लाइक प्रॉब्लम ना इशू, मतलब पिंग प्रॉब्लम कुछ भी ना हो, तो इसलिए मतलब अपने सर्वर को स्ट्रॉन्ग करें अच्छे से, एंड देन जब उन लोग अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग कर लेंगे एंड उसके बाद लॉन्च करेंगे, ठीक है गाइस, यही बस फंडा है। पता नहीं कितने दिनों में लोग अपने सर्वर को अच्छी तरह से बनाएंगे उनके ऊपर है, एंड पता नहीं, चलो अब मैं गूगल के अकॉर्डिंग आपको बता देता हूं। तो गाइस यहां पर देख सकते हो मैं क्रोम ब्राउजर पे एंड यहां पर सर्च बार में आ गया हूं, एंड यहां पर आप लोग कुछ भी सर्च करो, जैसे कि फ्री फायर इंडिया लॉन्च डेट ऑफिशियल टाइम, तो यहां पर पुराना वाला 5 सितंबर वाला ही आ रहा है। एंड गाइस यहां पर आप लोग कुछ भी सर्च करो, मैंने 2-3 चीज़ें सर्च करके देखी तो वही चीज़ आ रहा है, मतलब 5 सितंबर, मतलब कि यहाँ पर अभी तक किसी को भी पता नहीं है कि फ्री फायर इंडिया मतलब लॉन्च आखिर में कब होने वाला है। लेकिन गाइस मैं आपको एक डेट बता दूँ, कंफर्म तो नहीं है बट कुछ ऐसा लगता है मेरे को हो सकता है, ये गाइस ये डेट है हमारा 1 अक्टूबर को, जिस दिन हमारा फ्री फायर मैक्स एंड फ्री फायर दोनों अपडेट होता है, क्योंकि उसी दिन CS रैंक भी अपडेट होगा, उसी दिन गेम भी अपडेट होते हैं, तो शायद उसी दिन प्ले स्टोर पर लॉन्च किया जा सकता है। बट गाइस यहां पर पहले भी हो सकता है, लेकिन अगर पहले नहीं हुआ तो उस दिन होगा, ऐसा मेरा कहना है। बट अब गरेना वाले हैं भाई, उनका मन क्या करता है क्या नहीं करता वो देखेंगे। तो आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।